हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटलेस सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है आपका मूल्यांकन के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। जैसे कि आप जानते हैं, 4 बजे हम जो क्लास ले रहे हैं वो अभी लर्निंग एंड टीचिंग का ही चल रहा है, और हम कंटेम्प्रेरी और चाइल्डहुड का पूरा जो है सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। तो जो लोग भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोज़ जा कर के अगर चाहें वो तो देख सकते हैं। उसके लिए उनको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट से उन्हें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए, मूल्यांकन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। देखिए, मैं बिना आपको अंदर जाए बता दे रही हूँ, अभी फ़िलहाल 2020 में जो NEP आया है उसके अकॉर्डिंग जो है इवेल्युएशन का फिर से प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। पहले जो होता था वही बुक में अभी आप लोगों को पढ़ना है। तो उसमें 2 तरह के मूल्यांकन का स्कूल में जो है टेस्ट या फिर एग्ज़ाम जो भी बोले, 2 तरह से लिया जाता था। एक होता था FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा जो होता था समेटिव असेसमेंट। तो FA और SA के नाम से ये जाना जाता था। FA को जो है हिंदी में निर्माणात्मक बोलते हैं, और SA को जो है हिंदी में संकलनात्मक बोलते हैं। निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव जो है वो थोड़े थोड़े चैप्टर्स को लेकर के, जैसे यूनिट टेस्ट हुआ ना वैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था यूनिट टेस्ट के टाइप का, कि 1-2 चैप्टर या 3 चैप्टर का जो है और लिया जाता था। और ये जो है पूरे ईयर में 3 या 4 बार जो है लिया जाता था। ऐसे की बात करें तो ऐसे जो है समेटिव असेसमेंट होता था। ये जैसे टर्म वाला जो एग्ज़ाम होता है, टर्म 1 एंड टर्म 2, ये उस तरह का एग्ज़ाम हुआ। ये जो है आपके ईयरली जो है 2 बार होता था, जैसे 6 मंथ्स पर 1 टर्म 1 और 6 मंथ्स के बाद यानी कि फाइनल में 1 होता था ACE 2। इस तरह से टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया जाता था। इवेल्युएशन का प्रोसेस ये था। इसको मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको बता चुकी हूँ FA और ACE किस तरह से स्कूल में फॉलो होता था। अब आइए थोड़ा बुक की नॉलेज में चलें। निर्माणात्मक मूल्यांकन तब होता है जब विद्यार्थी उन वर्षों में से गुजर रहे होते हैं जब उनके रूप का निर्माण होता है। वही, इसलिए निर्माणात्मक का नाम ही इसीलिए है, क्योंकि आप जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, कंटिन्यूस प्रोसेस में हो, तब ये होता है, इसीलिए इसका नाम भी निर्माणात्मक है। इसका निहित अर्थ है अनुदेशन के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शंस के दौरान, यानी पढ़ाते टाइम में जो है बच्चे कितना समझ रहे हैं। कोई भी टॉपिक या कोई चैप्टर ख़त्म करने के बाद लिया जाता था, जिससे बच्चे कितना समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं, उसके बारे में इवेल्युएशन किया जाता था। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को भली भांति निश्चित करने के बाद जब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और विद्यार्थी अधिगम अनुभव की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो समय समय पर यह निश्चित करना कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम अनुभव की उपलब्धि किस रूप में एवं किस सीमा तक हो रही है, तथा शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों किस सीमा तक सफल हो रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए, आप पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, 1 चैप्टर आपका हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 2 टॉपिक हुआ, 3 टॉपिक हुआ, इसके बाद आप खुद भी तो ये जानना चाहेंगे ना कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या कितना समझ में आ रहा है, किस हद तक वो समझ रहे हैं, उनका अधिगम जो लर्निंग है वो किस हद तक चल रहा है। तो उस समय आपको एक इवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी इवेल्युएशन का नाम होता है FA, जो आपको गाइड करके बताता है, जिसका नाम है फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक, जो आपको आपको भी फीडबैक देता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, कितना समझ में आया, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चलती हैं। इसमें पाठ्यक्रम की छोटी एवं स्वतंत्र इकाइयों का आधार बनाया जाता है, वही चैप्टर्स की बात है। इस प्रकार के मूल्यांकन में विद्यार्थी अध्यापकों के कार्य की जाँच, दोनों की जांच होती है, सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, एक्चुअली में टीचर का भी जो है टीचिंग कैसा चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। उसमें गुण दोष निकालना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कार्य में सुधार लाने तथा प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक सूचनाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। एक्चुअली किसी में भी किसी तरह का फ्लॉज या फॉल्ट निकालने के लिए ये नहीं होता है, इसलिए होता है कि अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जो है इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जा सके, चाहे वो टीचर की तरफ से हो, चाहे स्टूडेंट की तरफ से हो।
इस दृष्टि से निर्माणात्मक मूल्यांकन को ऐसे मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग होता है जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए तत्व तथा क्रियाओं की अच्छाई और कमजोरियों को सतत से प्रकाश में लाकर उनमें अपेक्षित सुधार लाने की भूमिका निभाई जाती है। तो ये सारे जो मूल्यांकन तकनीक है, ये बोल सकते हो इवेल्यूएशन का टेक्निक है, ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है जो चलता है उससे रिलेटेड अगर कोई छोटी मोटी भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है जो हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, या फिर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या टीचिंग कहीं पर पीछे हो रहा है, उसमें जो है कोई मेथड यूज़ करना है जो नहीं हो रहा है, टीचिंग ऐड यूज़ करना नहीं हो रहा, तो उन सभी चीज़ों को ये मूल्यांकन के बाद पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, इसको हमें पूरा करना है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। अब देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता एवं असफलता के संबंध में निरंतर पृष्ठपोषण फीडबैक प्रदान करता है। तो ये हमारा जो निर्माणात्मक इवेल्युएशन है, ये स्टूडेंट्स को ही नहीं टीचर को भी जो है उसके टीचिंग के बारे में फीडबैक देता है। विद्यार्थी का पृष्ठपोषण उसके सफल अधिगम को पुनर्बलन करता है। विद्यार्थी के लिए जो फीडबैक दिया जाता है उसमें जो है जो जो चीज़ें विद्यार्थी ने अच्छा की है, जो उसे सक्सेस मिला है, उसको रीइन्फोर्स किया जाता है, अप्रिसिएट किया जाता है, मोटिवेशन मिलता है उसको, उसकी उन विशिष्ट गलतियों की पहचान करता है जिन्हें तत्काल शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, और जो मिस्टेक्स उनसे हुई है उस मिस्टेक का जो है पहचान रिकॉग्निशन होता है जिससे तुरंत से तुरंत जो है इम्प्रूव किया जाता है। टीचर्स के लिए जो इम्प्रूवमेंट फीडबैक होता है, तो अध्यापक का पृष्ठपोषण उसे अपना अनुदेशन सुधारने की सूचना प्रदान करता है। मतलब जिस तरह से वो पढ़ा रहा है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिस तरह से समझा रहा है, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला जाता है, और उसे व्यक्तिगत एवं दलीय उपचारात्मक कार्य की ओर अग्रसर करता है। यह मूल्यांकन इस दृष्टि से निदानात्मक पर पूरा जोर देता है, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, तकनीक, अध्यापक व्यवहार, विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, शिक्षण अधिगम वातावरण तथा परिस्थितियां किस किस में किस किस किसमें किस सुधार की आवश्यकता है, इस बात का निदान करना इस प्रकार के मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर हमारा जो है निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है वो हमारे लिए जो है एक डायग्नोसिस का काम करता है। मतलब कि बच्चों के जो है प्रॉब्लम या टीचर्स के जो प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताता है और उन्हें सजेस्ट करता है उसे इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो, टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो, टेक्निक से रिलेटेड हो, टीचर्स के बिहेवियर से रिलेटेड हो, बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से हो, तो वो जो है सजेशन देता है। पहले फाइंड आउट करता है उसके बाद सजेशन देता है। अब हम देखेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की जो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला तो इकाई का चुनना। इसमें सबसे पहला काम होता है कि हम जिस चैप्टर का या जिस यूनिट का टेस्ट लेने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षण की किसी एक विशिष्ट इकाई का चुनाव किया जाता है, यानी एक यूनिट लिया जाता है जिसमें 2 से 3 या 4 चैप्टर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इकाई की विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूनिट। इकाई के भागों का उनकी विशेषता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इकाई की विशेषता में सम्मिलित है विषय वस्तु, जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं उसमें वो। दूसरा है स्टूडेंट्स का बिहेवियर। तीसरा जो है विषय वस्तु के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य। ये 3 चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। तीसरा है विषय वस्तु निर्धारित करना, जो हमारा चैप्टर्स है, जो टॉपिक है उसको निर्धारित करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन में इकाई की नई विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इसमें नए शब्द, नए संबंध तथा नई प्रक्रियाओं का समावेश होता है जो कि मूल्यांकन की सार्थकता को निश्चित करता है। चौथा है अधिगम परिणाम निर्धारित करना, कि इसका अधिगम का जो है, जो हम अधिगम करवा रहे हैं या जो हम रिजल्ट लेने वाले हैं, जो हम फॉर्मेटिव के बाद जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। तो एक तरह से अधिगम करवाते समय, लर्निंग करवाते समय जो है ये दिमाग में रखना कि इसका रिजल्ट यही आना चाहिए, मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए।
बच्चों के बिहेवियर में ये इस तरह के जो है चेंजेस आने चाहिए। विषय सामग्री के नए तत्वों से संबंधित अधिगम के परिणाम या विद्यार्थी का व्यवहार निर्धारित किया जाता है। अब देखेंगे कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की उपयोगिता यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहला है अधिगम में निपुणता। विद्यार्थियों के लिए इसका यूटिलिटी हम दो तरह से देखेंगे, एक तो स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, एक टीचर्स के लिए देखेंगे, दोनों के लिए ये उपयोगी है, राइट। तो अधिगम में निपुणता, अच्छा इसको ना थोड़ा सा इस तरह से बना दीजिएगा, देखिए जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता ऐसे लिखा हुआ है, तो दो यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक और एरो दे करके कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा स्टूडेंट और यहाँ लिखिएगा टीचर्स, दोनों के लिए है, तो स्टूडेंट्स के में ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अधिगम में निपुणता, मास्टरी ऑफ लर्निंग, यह मूल्यांकन विद्यार्थियों को सीखने की निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है एवं सीखने की गति को तेज करने में सहायक करता है, इनके लर्निंग को जो है वो इन्हेंस करता है। विषय वस्तु अधिगम, लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको, यह विद्यार्थियों को प्रत्येक अधिगम इकाई की वस्तु विषय वस्तु जानने और उसके व्यवहार सीखने में सहायता प्रदान करता है। सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों में होना चाहिए। अगर ऐसा बाय द वे नहीं होता है तो इवेल्युएशन में ये बातें पता चल जाती है। शिक्षण की क्रमबद्धता, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, किस चीज़ को कब सीखना है, एक दूसरे में उन लोगों का जो है तालमेल होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों को अधिगम क्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटने में सहायता मिलती है। अधिगम के उद्देश्य, इसे सीखने के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं, प्रभावशाली पुनर्बलन, इफेक्टिव रीइन्फोर्समेंट, जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं उनको अप्रिसिएट करना, उनको रीइन्फोर्स करना, उनको जो है बोल सकते हैं आपकी आगे बढ़ाने के लिए पुश करना, ये सारी चीज़ें। निदानात्मक महत्व, डायग्नोस्टिक वैल्यू, जैसे हमने बताया कि ये समस्याओं को जो है पता करते हैं, तो इस तरह से इसका निदानात्मक महत्व है, इससे विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान होता है और फिर उनके समाधान करने के उचित उपाय किए जा सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों के जो है समस्याओं का पता चलता है, डायग्नोस्ड होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये छः तरह से जो है स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टीचर्स के लिए इसकी उपयोगिता को देखते हैं। तो पहला है गलतियां जानना, लोकेटिंग एरर्स। टीचर से भी गलती तो हो सकती है ना भाई, मिस्टेक हो सकता है, वो भी तो इंसान ही है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करने के बाद पता चल जाता है कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं, और क्योंकि ये इवेल्युएशन सिर्फ एक यूनिट का होता है, तो हमें जब पता चलता है कि हाँ ये मिस्टेक हो रहा है मेरी टीचिंग में, तो तुरंत दूसरे यूनिट से जो है वो मिस्टेक को इम्प्रूव कर लिया जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब हमें हमारी गलतियाँ पता हो। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन अध्यापकों को विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ और गलतियाँ जानने में सहायता प्रदान करता है। गुणात्मक नियंत्रण, यह अध्यापक के लिए गुणात्मक नियंत्रण का साधन बन जाता है। इसके परिणाम से वर्तमान कक्ष को पिछली कक्षा में अधिक सुधारने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जब हमें पता चलता है कि ये मिस्टेक हो रहा है या यह गलत हो रहा है, तो हम वहाँ पे इमीडिएटली जो है इम्प्रूव करते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे समेटिव इवेल्युएशन। दो तरह का इवेल्युएशन के बारे में हम जान रहे हैं, कौन कौन सा, एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव। इस पर नोट्स लिखने को आ सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है पूछे कि मूल्यांकन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। चलिए, ये क्या है, इस मूल्यांकन को योग दे मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु की सभी इकाई के शिक्षण के अंत में जब विद्यार्थी सभी इकाइयों को अलग अलग रूप में दे परीक्षण यानी फॉर्मेटिव टेस्ट को उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब उनमें अंत में संकलनात्मक मूल्यांकन टेस्ट किया जाता है। इसमें जो है आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एसे वन एसे टू होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसे की बात हो रही है, एक ही एसे की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी चैप्टर सभी इकाइयां जो है इसमें शामिल की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को सामान्य स्तर का बोध होता है और विद्यार्थियों की सफलता के आधार पर शिक्षण और निर्देशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है, जिससे अध्यापक और निर्देशन को पुनर्बलन मिलता है। अध्यापक को आगे आके शिक्षण के नियोजन तथा व्यवस्था में भी सहायता मिलती है। विद्यार्थियों की सफलता के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति का भी निर्णय लिया जाता है। ये दोनों प्रकार के परीक्षण शिक्षण अधिगम की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है।
संकलनात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई को महत्व दिया जाता है। इस परीक्षण से शिक्षण की प्रभावशीलता का मापन होता है। देखिए, ये जो है हमारा, आप बोल सकते हैं कि इस तरह का इवेल्युएशन है जिसमें हम स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को मापते हैं ही, और साथ ही साथ जो है अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि ये पूरा कम्प्लीट हो गया है तो स्टूडेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता चलता है। लेकिन फिर इसको आपके पास टाइम जो है नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा इम्प्रूव करने का। तो ये जो चीजें जो है ये इसमें होती है। ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से यानी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से जो है काफ़ी हेल्प मिलता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम पे करवाया जाता रहता है। तो ये संकलनात्मक जो ये मूल्यांकन होता है ये बच्चों के लिए बर्डन नहीं होता, बच्चे और इंटरेस्ट लेके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, ये कोर्स के अंत में संकलनात्मक मूल्यांकन एक निश्चित कालावधि कोर्स कार्यक्रम तथा सेमेस्टर के अंत में होता है। हाँ, जैसे सेमेस्टर चल रहा है सिस्टम जहाँ पे, तो 6 महीने पर होता है, सेमेस्टर के अंत में होता है, तो वो ऐसे यही कहलाएगा, समेटिव ही कहलाएगा। तो उसमें आपके सारे चैप्टर्स आते हैं, आपको भी पता है। तो इस तरह से अंतिम एवं निर्णयात्मक होता है ये, बिल्कुल ये लास्ट होता है और ये डिसीजन मेकिंग होता है, जजमेंट होता है, जजमेंटल होता है, यह अंतिम एवं निर्णयात्मक होता है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अनुदेशन लक्ष्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इसका गठन इस बात को निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने कहाँ तक अनुदेशन के लक्ष्य प्राप्त किए हैं। इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, प्रगति का मूल्यांकन, बच्चों का प्रोग्रेस कितना हुआ है। सही बात है, पहला यही होता है। फिर है शिक्षक की प्रभावशीलता की जाँच, टीचर्स कितना इफेक्टिव रहा। मान लीजिए 30 बच्चों में से जो है 20 से 25 बच्चे जो है अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड के साथ पास हुए हैं, तो जाहिर सी बात है टीचर की जो है प्रभावशीलता के बारे में अच्छा ही कहा जाएगा। अब 30 में से जो है 20 बच्चे वो फेल हो गए या उनका मार्क्स अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं कर पाए, तो टीचर पे उंगली तो उठेगी। तो यही चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम अध्ययन कोर्स तथा अथवा शैक्षिक योजना की प्रभावशीलता की जांच करना। अब इसमें सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट नहीं, जो हमने करिकुलम बनाया है, जिस तरह से पढ़ाई हुई है, जिस तरह से जो है प्लानिंग हुई है, उन सभी पे जो है क्वेश्चन उठता है। विद्यार्थियों का ग्रेड निर्धारित करना, उन्हें प्रमाणित करना, जो भी ग्रेड या जो भी मार्क्स दिया जाता है उसको प्रमाणित भी किया जाता है कि ये क्यों मिला है। ब्लूम और उनके साथियों द्वारा संभवतः संकलनात्मक मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता अधिगम तथा अनुदेशन के पश्चात उसकी विद्यार्थी अध्यापक अथवा पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रभावशीलता की जांच करना है। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है कि बच्चों में टीचर की तरफ से देखा जाए तो उसका अनुदेशन, और बच्चों की तरफ से देखा जाए तो उसका अधिगम जो है कितना सक्सेसफुल रहा। विद्यार्थी एंड टीचर में जो है किस तरह का तालमेल रहा, करिकुलम का क्या जो है प्रभाव रहा, ये सारी चीज़ों का जांच होता है। ठीक है, फिर है निर्धारित कोर्स का मूल्यांकन का आधार है ये। विशेष अवस्था अथवा सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया कोर्स संकलित मूल्यांकन का आधार बनता है। मतलब इसमें ये पता चल जाता है कि जो करिकुलम बनाया गया था पूरे सेमेस्टर के लिए वो सही था या नहीं। नहीं था तो नेक्स्ट सेमेस्टर यानी नेक्स्ट बच्चों के लिए जो है उस सेमेस्टर को चेंज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। परीक्षा की मदों द्वारा निर्धारित की जाने वाले सामान्यीकरण का स्तर संकलनात्मक मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसकी उपयोगिता बताया जाए तो इसकी उपयोगिता जो है सफलता की भविष्यवाणी है, एक प्रिडिक्शन है कि बच्चे कितना सफल हुए हैं, टीचर कितना सफल हुआ है। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है ना उसको इम्प्रूव करने का, बस वही बता सकता है कि फाइनली हुआ क्या, राइट। तो ये एक भविष्यवाणी है। अनुदेशन की शुरुआत, इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर का ज्ञान पता प्रदान करता है या विद्यार्थी को आगामी कोर्स के लिए जो नेक्स्ट उनका कोर्स है उसके लिए तैयार करता है। ग्रेड देने का आधार, यस, ग्रेडिंग जो बच्चों को दिया जाता है, जो उनका रिपोर्ट बनता है वो उसका एक आधार बनता है ये। प्रोग्रेस का नॉलेज, किस बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, उसे आगे क्या करना चाहिए, किस चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन सभी चीज़ों का जो है नॉलेज मिलता है समेटिव असेसमेंट से। अब ये हुआ हमारा समेटिव असेसमेंट हिंदी में। यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने हिंदी में किया। तो ये इंग्लिश का हो गया।
तो आप लोग इस तरह से नोट्स बना लेंगे अपना। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन हमने करवा दिया, अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अदरवाइज़ आप लोगों को मैंने जैसे बोला था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है, फिर मेथड पेपर भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। 4 बजे का क्लास आप ही लोग के लिए है, आप लोग अपने सुझाव भी देते रहिए। चलिए फिर मिलूँगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।